हाय गाइस, आज अपन बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजीज इसरो इंडिया, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि यूजीसी एक्ट 1956 के अंदर खोली गई थी केरला के अंदर तिरुवनंतपुरम के अंदर। ये एक इसरो का इंस्टीट्यूट है, इसरो से टाइप है इसका। जो भी स्टूडेंट्स इसे बीटेक की डिग्री लेते हैं, जो भी कोर्स करते हैं, इसको उनको डायरेक्ट जॉब देता है, इसलिए इसको इसरो का इंस्टीट्यूट कहा जाता है। इसके अंदर मेजरली जो सब्जेक्ट है वो एरोस्पेस एविनेशन रिलेटेड जो है डिफेंस रिलेटेड पढ़ाया जाता है। तो बात कर लेते हैं आज इसके अंदर 2021 सेशन के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन बेसिकली इसके अंदर जेई एडवांस के बेस पर लिया जाता है, जिसकी भी रैंक 5000 के अंडर होती है तो उसका एडमिशन ईजीली हो जाता है IIST इसरो इंडिया के अंदर। और इसके अंदर भी स्पोर्ट राउंड होता है, उसके बाद जो भी सीटें बची होती है उसका एडमिशन जो है वो स्पोर्ट राउंड के अंदर किया जाता है। तो IIST जनरली जो है JEE एडवांस के बेस पे चलता है। तो इसका जो है जस्ट लाइक JEE में इसने कहा है कि एडमिशन टू UG प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन 10+2 JEE एडवांस 2021 फॉर द एकेडमिक ईयर। इसका कहने का सिंपल मीन यही है कि जैसे जैसे JEE एडवांस कंडक्ट होगा उसी के बेस पे होगा। जैसे JEE एडवांस कंडक्ट होता है उसका रिजल्ट आता है, तो ये जस्ट सिर्फ रोल नंबर वगैरह मांगता है और JEE एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डिटेल्स फेच कर लेता है। तो इसका जो बेस है वो सिर्फ JEE एडवांस है। अगर JEE एडवांस होता है तो IIST में होगा, अगर JEE एडवांस उतना लेट होगा जितना ही IIST में एडमिशन लेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट लाइक अक्टूबर तक इसका जो है, जैसे ही JEE में एडवांस का रिजल्ट आएगा तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि जस्ट लाइक IIST के अंदर सिर्फ एरोस्पेस सेक्टर के अंदर 60 सीट है, तो इसके अंदर जो है जस्ट लाइक इसके IIST जैसे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर। तो आपको अगर डिटेल एडमिशन लेना हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, जो भी IIST जैसे हैं, जस्ट लाइक IIST इसरो इंडिया जैसे इंस्टीट्यूट, जो कि गवर्नमेंट वेरीफाइड हो, गवर्नमेंट ने खोले हो, गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किए गए हो, गुड प्लेसमेंट गुड क्वालिटी हो, तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक इंस्टीट्यूट है जो पंजाब गवर्नमेंट ने खोला है, बेस्ड इन मिलिट्री बेस एयरफोर्स FTCL पंजाब स्टेट एरोनोटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज मेदरली नाउन एज PSAIC पटियाला। तो देख लेते हैं इसका जस्ट लाइक जो है इसने एडमिशन फीस कुछ जैसे डिटेल्स की एडमिशन फीस की। तो इसकी एडमिशन फीस बहुत ही कम है लगभग, और अगर आपके जैसे इसमें जो दी है कि आपके जो मेजरली जो इसमें रैंक दी गई है वो आ जाती है, तो आपकी ट्यूशन फीस है वो माफ़ कर दी जाती है, ठीक है। सो इट्स वेरी गुड, और अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये आपकी ये बहुत ही खुशी की बात है। तो आप जस्ट इसरो इंडिया के अंदर डायरेक्ट जा सकते हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको जस्ट लाइक इसरो इंडिया के जैसे ही और भी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सभी बच्चे इसके अंदर चले जाएं, अगर IIT वाले भी सारे बच्चे अगर अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 60 बच्चों का हो पाएगा एरोस्पेस के अंदर। सो यू कैन गेट एडमिशन इन पंजाब स्टेट एरोनोटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला पंजाब। इसका मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो ये पैसे भी नहीं देंगे मुझे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, बट इट्स रियल इंस्टीट्यूट। ओके, थैंक यू सो मच। और जो है इसके अंदर ये 19 अगस्त को नोटिस आया कि ये IIST तिरुवनंतपुरम की तरफ से कि जस्ट रिफंड फीस इन केस, तो रिफंड प्रोसेस अगर आपको करना है तो 15 दिन तक जो है 100% फीस वापस की जाती है, 1000 रुपये जो है प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, और लेस देन 15 दिन बाद जो है 10% ऑफ फीस एंड मेडिकल और पोस्टल चार्ज, और जो 80% फीस है वो 15 डेज आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, तो 20%, और अगर आप 30 डेज के बाद लेते हैं तो कोई भी रिफंड नहीं किया जाएगा, और 30 डेज से पहले करते हैं तो 50% फीस जो है डिटेक्ट कर ली जाएगी, या 50% फीस आपको लौटा देंगे प्लस बेस प्लस हॉस्टल चार्ज। ओके, तो ये था एक नया अपडेट, और आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह पे, आपको जस्ट JEE एडवांस पे फोकस करना चाहिए। और अभी तो एक JEE मेन का भी अटेम्प्ट बाकी है आपका, तो आप पढ़ सकते हो इजीली और एडमिशन गेन कर सकते हो, और PSAIC पटियाला के लिए तो आपका द्वार खुला है ऐसा, तो आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। इट्स गवर्नमेंट जेन्युइन इंस्टीट्यूट एंड सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस, तो ये इट्स वेरी गुड, चाहे आप इसके अंदर लो GPS पटियाला में लो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।